The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing. Summer is here and I thought कि क्यों ना मैं अपने बेडरूम को भी समर के लिए थोड़ा सा रेडी करूं. समर का मतलब होता है कि घर के अंदर कुछ ब्राइट कलर्स ऐड करो ताकि रूम देखने में सूदिंग लगे और थोड़ा सा सुंदर भी लगे. नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में रिसेंटली समर के लिए किस हिसाब से मैंने अपने बेडरूम को डेकोर मेकओवर तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज मैंने कोई भी सामान बाहर से परचेज नहीं करा है. जो भी चीजें घर में अवेलेबल थी उनकी हेल्प से मैंने आज जो डेकोर है इस पूरे बेडरूम का उसको किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. बिफोर मेकओवर कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ. तो लास्ट दिवाली इस वॉल पे पेंट और तीन वुडन फ्रेम्स हमने फिक्स किए थे. थोड़ा सा पैन करते हैं तो हम आते हैं इस आर्च वॉल पे. जितना भी डेकोर आप इस बेडरूम में देख रहे हैं उसे हमने प्लान किया था लास्ट दिवाली. अगर आपने हमारा बेडरूम मेकओवर वीडियो देखा है तो आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे. तो चलिए फिर रीडू करते हैं और शुरू करते हैं इस वॉल के साथ में. तो सबसे पहले सारे डेकोर पीसेस एक्सेप्ट सिल्वर प्ले बटन को हटा करके मैं ऐड कर रही हूँ इस तरीके के ब्राइट कलर्स वाले पेंटिंग्स या फ्रेम्स और उसके साथ साथ इस तरीके के बैम्बू प्लेसमैट्स या फिर वॉलपेपर्स जिन्हें मैंने परचेज किया है लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली हाट से. तो इस बार हम क्रिएट कर रहे हैं एक फ्लोर सिटिंग. तो सबसे पहले साइड में एक स्टूल और उसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ एक बुशी सा ग्रीन प्लांट. सिटिंग के लिए एक छोटा सा स्टूल और उसे और कंफर्टेबल बनाने के लिए एक फ्लोर कुशन और बैक को सपोर्ट देने के लिए एक और कुशन. लाइट्स ऐड करते हैं तो कोई भी रूम और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है. कॉर्नर से इस लैम्प को हटा करके मैं ऐड कर रही हूँ इस तरीके का एक कलरफुल लेदर लैम्प जिसे आप किसी भी एग्जीबिशन या ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं. थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए इस कॉर्नर को प्लेट स्टैंड के ऊपर मैं एक सुंदर सा प्लेट रख रही हूँ जिसे मैंने होम सेंटर से परचेज करा था और फ्रंट में एक और कैंडल होल्डर. टॉप से इस आर्टिफिशियल क्रीपर को हटा करके मैं यहाँ साइड में आर्च वॉल के ऊपर एक हैंगर है उस पर फिक्स कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से हमारा एक ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया इस वॉल पर क्रिएट हो गया. समर्स में सिर्फ घर में सूदिंग कलर्स ऐड करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. इस वेदर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए मैं यूज करती हूँ एक्साइट का एक्साइट इंटीग्रा पावर बैकअप सिस्टम एट माय होम. दिस बेसिकली इज एन इंटीग्रेटेड पावर बैकअप सिस्टम विद लिथियम आयन बैटरीज. ये दो मॉडल में आता है. फर्स्ट 450 वॉट दैट इज इंटीग्रा 700 और एक आता है 720 वॉट दैट मींस इंटीग्रा 1000. तो मेरे घर में मैं यूज कर रही हूँ इंटीग्रा 1000 जो कि मेरी नीड के अकॉर्डिंगली एकदम सफिशिएंट है. एज दिस इज एन इंटीग्रेटेड पावर बैकअप सिस्टम विद लिथियम आयन बैटरीज सो इट कम्स इन अ सिंगल यूनिट. जिसका मतलब है कि अब आपको अलग से इन्वर्टर और बैटरीज को परचेज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. स्पेशली जिनके घर में स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में आता है कि आप इसे इजिली किसी भी वॉल पर फिक्स कर सकते हैं. ये देखने में भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है और एक बार जब इसे कोई बाहर से देखेगा तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इन्वर्टर है. और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्लीक है. इसका साइज है 2 feet by 1 feet और इसकी जो विड्थ है जो थिकनेस है वो है सिर्फ 6 inches. सो जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कॉम्पैक्ट साइज में आता है जिसकी वजह से आप इसको बहुत इजिली वॉल पर भी फिक्स कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि इस मशीनरी को जब आप एक बार वॉल पर फिक्स कर देंगे तो आपकी वॉल इससे डैमेज होगी देन डोंट वरी बिकॉज ये मशीनरी बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, बहुत ही लाइट इन वेट है. एक्साइट से आपको टेक्नीशियंस घर आएंगे जो कि इसको इजिली वॉल पर माउंट करके जाएंगे. और सबसे अच्छी चीज अगर आप रेंट पर हैं तो जब भी आप एक घर से दूसरे घर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस मशीन को आप बहुत इजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं. इट जस्ट टेक 2 hours टू फुली चार्ज और एक बार जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो ये देगा आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फॉर 2.5 hours. ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है.
यहाँ पर इस छोटी सी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आपका ये जो इन्वर्टर है वो कितना परसेंट चार्ज है और आगे आपको कितने टाइम तक और ये पावर बैकअप देने वाला है, और जिस भी रूम में आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उस रूम के टेम्परेचर को भी यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। इसमें कोई भी तरीके के एसिड फ्यूम्स नहीं है, नो गैसिंग, और उसी वजह से इसमें किसी भी तरीके के स्पिलेज नहीं होते हैं। तो अगर आपको भी हमारे घर की तरह अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत है तो एक्साइट इंटीग्रा का जो परचेज लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। ये आता है 5 साल की वारंटी के साथ में विद लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जिसकी वजह से आपके पैसे भी सेव कर पाएंगे। तो ये है हमारी स्टडी टेबल और यहाँ पर हम डेकोर पीसेस को शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है कि हमें हर बार मार्केट से नई चीजें खरीदनी पड़े, तभी हम किसी रूम को या फिर किसी भी कॉर्नर को मेकओवर दे सकते हैं। अभी तक के वीडियो में और आगे भी जो आप इस रूम के अंदर मेकओवर देख रहे हैं उसमें मैंने कोई नई चीज परचेज नहीं करी है, सिर्फ डेकोर पीसेस को एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ में शिफ्ट किया है। यहाँ पर जो एक फेक स्टेम लगी हुई थी प्लांट्स की उसे मैं रिप्लेस करी ओरिजिनल लिलियन ऑर्किड से। स्टडी टेबल हुई कंप्लीट, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ। ये है एक फुल लेंथ मिरर जिसके नीचे मैं ऐड कर रही हूँ ये 2-tier shelf, और इसमें नीचे की तरफ जो भी एसेंशियल्स हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कैमरा चार्जर की जो बैटरीज होती हैं या निडल और थ्रेड का बॉक्स है उसको। और टॉप में बेसिकली हमने इस शेल्फ को ऑर्डर किया था कि हम यहाँ पर कुछ कोम और परफ्यूम्स वगैरह रख पाएं इफ़ इन केस अगर इमरजेंसी में यहाँ पर किसी को तैयार होना हो, और उसके साथ में कुछ और डेकोर पीसेस इस एरिया को थोड़ा सा और ब्यूटिफाई करने के लिए। तो अब हम मूव करते हैं इस वॉल की तरफ। यहाँ से हमारे फोटो फ्रेम्स हटा करके मैं ऐड करने वाली हूँ इन पेंटिंग्स को, जो कि अगर आपको ध्यान हो हमारी आर्च वाली वॉल पे थे, तो वहाँ से मैंने हटा करके इस वॉल पे फिक्स कर दी। और उसी के साथ साथ हमारा ये जो वॉल है वो होता है कंप्लीट। और हम यहाँ से थोड़ा सा पैन करेंगे और जाएंगे इस कोजी सिटिंग एरिया की तरफ। सबसे पहले डेकोर पीसेस हटाऊंगी। अगर आपने हमारे लास्ट ईयर लिविंग रूम मेकओवर वीडियो दिवाली पे देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये फ्रेम्स हमारे लिविंग रूम में थे जिन्हें मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। सिटिंग एरिया क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले एक सोफा थ्रो, कुछ कुशंस और मसंद ऐड करूंगी। सिटिंग एरिया तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर कर्टन्स ना ऐड कर दूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कर्टन्स को कैसे न्यू लुक दे सकते हैं। तो आपको बस करना है कर्टन्स को कुछ इस तरीके से हाफ में कहकर इस पोर्शन को रॉड हटा के रॉड के पीछे टक करिए और रॉड को वापस नेल पर फिक्स कर दें। थोड़ा सा इसे इवन आउट कर दें और देखिए कर्टन्स को मिल गया ना एकदम नया लुक। किसी भी रूम के डेकोर को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए कम्फर्टर, बेडशीट, पिलो कवर्स, बेड साइड रनर, और हाँ कर्टन्स को चेंज करना ना भूलें। इसके लिए नई चीज़ें मत परचेज करिए, घर में जो सबसे सुंदर बेडशीट हो उसे इस तरीके से बेड पे लगाइए, सुंदर से पिलो कवर्स ऐड करिए, कुछ और कुशन कवर्स ऐड करिए लेयरिंग के लिए, और हाँ एक सुंदर सा कम्फर्टर, जैसे कि मेरे इस कम्फर्टर को मैंने जयपुर से परचेज किया था, और बेड के साइड पर एक सुंदर सा कलरफुल बेड रनर ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैं सॉलिड कलर के कर्टन्स ऐड कर रही हूँ और हो गया मेरा बेडरूम मेकओवर रेडी समर के लिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जब हम एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांजिशन करते हैं तो वो सीजन अपने साथ बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर के आता है। समर्स सुन के आप सबको भी अपनी गर्मियों की छुट्टी जरूर याद आती होगी। वक्त बदला और आज हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हम आज भी गर्मियों की छुट्टी का इंतजार तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए। शायद वक्त के साथ मौसम के मतलब भी बदल जाते हैं, जैसे अब मैं हर मौसम बदलने का इंतजार घर को फिर से कुछ अलग तरीके से सजाने के लिए करती हूँ। The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. My God, I think I might be in love.
feels like it's been forever, laughing all day. This is it for today's video and I really hope कि आज जो bedroom decor changes आपके साथ मैंने share करे हैं वो आप सबको पसंद आए होंगे और Excite Integra Power Backup System अगर आपको इन गर्मियों में गर्मियों से राहत चाहिए है तो उसका link नीचे description box में given है आप वहां से check कर सकते हैं. If you like this video then please like, share and subscribe to my channel. I will see you on this coming Saturday. Till then enjoy, take care and bye bye.